हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ ये बहुत ही मज़ेदार सांभर रेसिपी, जिसमें आज बनाएंगे ये डिलिशियस सांभर बहुत ही क्विक वे में। तो सांभर एक्चुअली में मिक्स है दाल का, जिसमें दाल को उबाला जाता है तरह तरह के वेजिटेबल्स के साथ 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 इसको खट्टा बनाने के लिए ऐड किया जाता है इमली का पानी। बहुत ही मज़ेदार बनकर आता है ये डिलिशियस सा सांभर। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए तूर दाल यानी कि अरहर की दाल। तो मैंने 1/4 कप ली है ये दाल यानी कि 1 कप, और साथ साथ 1/4 कप थोड़ी सी और ऐड करी है इसमें। उसको भिगो दिया था मैंने करीब आधे घंटे के लिए और उसको ऐड कर दिया है ये प्रेशर कुकर में। अच्छे से वॉश कर लिया है दाल को, उसके बाद आधे घंटे सोक करा था और उसके बाद अब इसको ऐड कर दिया है प्रेशर कुकर में। इसके साथ साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अच्छी क्वांटिटी में पानी, यानी कि 2-2.5 कप के करीब पानी इसमें ऐड करें। पानी की क्वांटिटी का यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सांभर को इवेंचुअली हम जाके थोड़ा सा थिन कंसिस्टेंसी में ही रखते हैं। तो पानी अगर आपका थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर मैंने 2.5 कप पानी का इस्तेमाल करा है। तो दाल ऐड कर दी है, पानी ऐड कर दिया है इसमें। अब इसमें जाएगा नमक। सबसे पहले सॉल्ट आप ऐड करें टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक। साथ साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने से आप जब भी दाल उबालते हैं तो दाल बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आती, क्योंकि अरहर की दाल जब भी आप उबालते हैं ज़्यादातर वो प्रेशर कुकर के बाहर आती है। तो जब आप इस तरीके से ऑयल ऐड कर देंगे किसी भी दाल को पकाते हुए तो प्रेशर कुकर के बिल्कुल बाहर ज़्यादा दाल नहीं आती है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं ये 100 ग्राम्स के करीब पम्पकिन यानी कि कद्दू। इसको पील करके काट लिया सारे वेजिटेबल्स को। साथ साथ 1 कप के करीब ये ग्रीन बीन्स हैं जिनको चॉप करा हुआ है। 2 मैंने गाजर लिए हैं, उसको इस तरीके से कट कर लिया है। साथ साथ मैंने लिया है ये 100 ग्राम के करीब ही मैंने लिए हैं ये लौकी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए ड्रमस्टिक, 1 ड्रमस्टिक बड़ी जो ली थी मैंने उसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और साथ साथ मैंने लिया है ये 1 मीडियम साइज़ का आलू जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। तो मैंने प्रेशर कुक कर लिया है दाल को 2 सीटी लगाकर। तो पहले इसको ढक्कन हटाकर देखते हैं कि दाल कितनी गली है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से दाल गलाने से दाल में हल्की सी कसर रह जाती है। और मैं जब भी सांभर बनाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि दाल को पहले हल्का सा गला लूँ, उसके बाद वेजिटेबल्स को ऐड करूँ। तो वैसे तो आप दाल के साथ ही सारे वेजिटेबल्स ऐड करके पका सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि दाल में कम से कम 1 या 2 सीटी लगा लूँ और उसके बाद सिर्फ 1 सीटी लगाऊँ वेजिटेबल्स पे। तो वेजिटेबल्स का जो एक्चुअल साइज़ होता है वो थोड़ा सा रिटेन रहता है, साथ साथ पक भी जाते हैं ये वेजिटेबल्स। तो सांभर में जब ये दिखते हैं वेजीज तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरीके से प्रेफर करती हूँ। अगर आप चाहें तो दाल के साथ लगा सकते हैं वेजिटेबल्स को, प्रेशर कुक कर सकते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल गल जाते हैं दाल में वेजीज, जो कि देखने में फिर इतने खूबसूरत नहीं लगते सांभर में। तो इसलिए फिर मैंने 2 सीटी लगाकर दाल को प्रेशर कुक कर लिया था और आप देख सकते हैं हल्की से भी कसर रह गई है। तो अब जब 1 सीटी लगाकर प्रेशर कुक करेंगे तो दाल भी गल जाएगी, साथ साथ वेजीज भी सॉफ्ट हो जाएंगे और उनका शेप भी रिटेन रहेगा। तो सारे वेजीज ऐड कर दिए मैंने, मिक्स कर दिया एक बार इसको अच्छे तरीके से, और अब 1 सीटी और लगा लेंगे इसमें। तो प्रेशर कुक कर लिया है, दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है देख सकते हैं आप, और वेजीज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं सारे। तो इसको अब रख देते हैं साइड में और चलते हैं अब हम प्रिपेयर करते हैं सांभर का तड़का। तो मैंने 3 बड़े चम्मच तेल को हीट कर लिया है यहाँ पे, साथ में ऐड करा है 1 टेबलस्पून ऐड करा है मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। इसके साथ साथ इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ता और साथ साथ 1 चॉप की हुई प्याज। तो अच्छी तरीके से इसको सॉटे करेंगे। साथ साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं ये 2 से 3 होल रेड चिलीज यानी कि खड़ी लाल मिर्चें, और उसके बाद ये 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अदरक का पेस्ट। तो अगर आपके पास अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ ग्रेट करके जिंजर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि अदरक को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये 1 छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, उसको रफली चॉप किया हुआ है। तो इसको भी पका लेते हैं अब अच्छी तरीके से।
टमाटर को अब हमें करना है सॉफ्ट, लेकिन उससे पहले हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। सॉल्ट कम ऐड करना है क्योंकि सॉल्ट हम ऑलरेडी दाल में भी ऐड कर चुके हैं, तो सॉल्ट मिक्स कर देते हैं हम अच्छी तरीके से इवेनली, और उसके बाद इसको ढक्कन लगा देके 2-3 मिनट तक पकाते हैं जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये 2 मिनट मैंने इसको ढककर अच्छे से पका लिया, आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो स्पैचुला की मदद से मैं थोड़ा सा मैश कर रही हूँ टमाटर को। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मसाले। मसाले मैं इसमें बिल्कुल कुछ भी मसाला ऐड करना नहीं प्रेफर करती हूँ, सिर्फ लाल मिर्च और सांभर मसाला। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च ऐड करी है क्योंकि सांभर मसाला में भी अच्छी क्वांटिटी में मिर्ची होती है, और 3 टेबलस्पून ऐड करे हैं मैंने ये सांभर मसाला के। तो मिक्स कर दिया है फटाफट से इसको, और मसाले हमारे जलने ना पाए इसलिए फटाफट जो हमने दाल बनाकर रखी थी वेजिटेबल्स के साथ उसको भी पोर कर दिया है इसमें। तो अगर आप चाहें तो हल्दी ऐड कर सकते हैं या धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ सांभर में, सिर्फ सांभर मसाला जो है उसके अंदर सब चीज़ें एक्चुअली में इवनली मिक्स होती है। तो मैंने सिर्फ सांभर मसाला इसमें ऐड करा है 3 टेबलस्पून, साथ साथ लाल मिर्च ऐड करिए तो उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है सांभर का। तो ये मिक्स कर दिया है सब चीज़ों को अच्छी तरीके से, और ये आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट तो होते ही हैं साथ साथ देखने में बड़े अच्छे लगते हैं ये सांभर में। तो अब सांभर में डाली जाएगी इसकी जान, यानी कि सांभर जब तक कि खट्टा ना हो तब तक कि उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए इसमें ऐड किया जा रहा है ये 3/4 कप टैमरिंड वाटर, यानी कि इमली का पानी। इमली को आप भिगो दें और उसके बाद उसका सारा पल्पी सा जो पानी है वो निकाल लें और उसको ऐड कर दें इसमें। तो मैंने 3/4 कप इसमें ऐड करा है, साथ साथ ये 1/2 चम्मच हींग मैं ऐड कर रही हूँ। आप जब बाकी मसाले ऐड करें तभी उस टाइम हींग ऐड कर सकते हैं, मेरे माइंड से हींग ऐड करना स्किप हो गया था इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया सा सांभर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, बस अब हम इसमें एक बॉईल लाएंगे और उसके बाद बिल्कुल तैयार है ये सर्व करने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी की जहाँ तक बात आती है तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप पतला करना चाहते हैं तो पानी ऐड कर लीजिए, और थिक रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको गाढ़े साइड पे रखिए, उबाल ले आइए इसमें और थोड़ा सा थिक कर लीजिए। वैसे भी जब अरहर की दाल होती है उसको आप थोड़ी देर रखेंगे तो वो गाढ़ा हो जाता है। ढक्कन ढक के मैंने इसको पका लिया है, एक उबाल आ गया है इसमें और ये बिल्कुल तैयार है सांभर अब सर्व करने के लिए। एकदम बढ़िया बना है। मेरे घर में इसको हम थोड़ा गाढ़े साइड पे ही प्रेफर करते हैं, बिल्कुल पतला पतला सा थिन कंसिस्टेंसी का सांभर हमें नहीं पसंद है, तो हम इसको इस तरीके से प्रेफर करते हैं। तो इसी तरीके से रखा है, आप इसको जिस तरीके से खाना चाहें उस तरीके से खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैंने ये सर्व कर दिया है डिलिशियस सांभर, बहुत ही गर्मा गर्म है, आप देख सकते हैं अभी भी धुआं उठ रहा है इसमें से, बिल्कुल गर्म सांभर अगर मिल जाए खाने को तो क्या ही बात है। तो बहुत ही बढ़िया बना है, ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है, साथ साथ वेजीज दिखते हैं खाने में बहुत न्यूट्रिशियस है, इतने वेजिटेबल्स इसमें ऐड होते हैं साथ साथ दाल के साथ कंबाइन किए हुए वेजीज हैं, तो बहुत ही न्यूट्रिशियस रहता है सांभर, साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है अगर हम इसको खाते हैं डोसा के साथ, जो कि जन्म जन्मांतर का साथ है डोसा और सांभर का। साथ साथ आप इसको किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इडली के साथ, चाहे आप इसको उत्तपम के साथ खा सकते हैं, वड़ास के साथ खा सकते हैं, और नहीं तो सिंपली आप इसको चावल के साथ एक बार खा के देखिए तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा ये सांभर। तो ट्राई कीजिए ये डिलिशियस सांभर की रेसिपी, आई होप आपको ये सिंपल इजी सी रेसिपी आई हो पसंद। अगर आपको ये मेथड, ये रेसिपी, ये वीडियो आई है पसंद तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको आती हैं पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ट्राई मेकिंग दिस डिलिशियस सांभर एंड हैव अ लवली टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।